वेलकम टू जिनर सिंह चैनल दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे छोटे से चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आ चुके हैं राइडोफाई में एंड ये शानदार बाइक जो है आपको दिखाने वाले हैं। थंबनेल एंड टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि ये शार्क टाइप की मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हुई है एंड काफ़ी कुछ इसमें अलग है जो बाइक में लगा हुआ है। मयूर भैया आज हमारी फिर से हेल्प करेंगे ये मॉडिफिकेशन आप सबको बताने के लिए एंड थैंक यू वेरी मच भैया, आपने एक बार फिर से हमारे को इतना अच्छा एंटरटेन किया है। तो आप थोड़ा बताएंगे बाइक के बारे में, उसके ओवरव्यू से पहले थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहेंगे जैसे कि प्राइस और टाइम कितना लगा था इसको बनाने में। देखिए, जब भी हम बाइक बनाते हैं तो उसकी एक इंस्पिरेशन होती है और इस बाइक की जो एक इंस्पिरेशन थी वो थी ऑब्वियसली शार्क से। जब हम शार्क को हम जब देखते हैं तो एक बहुत ही तेज चलने वाला एक मैं कहूँगा फिश है, एनिमल है और यूजुअली अगर आप देखें तो उसका एग्रेसिवनेस है, दैट्स द वर्ड, जो उसका एग्रेसिवनेस है वो बहुत एक पसंदीदा चीज़ है मेरी, मुझे बहुत पसंद आता है। तो मुझे देखा क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ बनाएं जो कि उससे थोड़ी मिलती जुलती हो और ये दिस इज़ अ डेडिकेशन टुवर्ड्स द एग्रेसिवनेस ऑफ शार्क एंड दैट्स हाउ दिस बाइक इज़ कॉल्ड शार्क। तो हमने इस बाइक का नाम भी हमने शार्क रखा है। कूल। तो भैया इस वीडियो में क्या है कि हम फटाफट लोगों को दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या हुआ इस बाइक में एंड कितना प्राइस इसका लगा हुआ है और टोटल प्राइस तो आप तभी बताएंगे जब आपको बाइक का मतलब कॉल वगैरह आएंगे उनकी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मॉडिफिकेशन करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये मॉडिफिकेशन हमने करी इलेक्ट्रा पे, इट मे बी समबडी इज हैविंग अ थंडरबर्ड बाइक और मे बी समथिंग एल्स। तो क्या होता है कि ये बन जाएगा सर, बिल्कुल आप जो देख रहे हैं वो किसी भी बाइक पे हो सकता है, इलेक्ट्रा हो, थंडरबर्ड हो, क्लासिक हो, कोई भी हो, रॉयल एनफील्ड की किसी भी मॉडल पे काम, इवन जी टी पे भी हम ये जो है कर सकते हैं। जी टी पे भी हो जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो फटाफट इसका ओवरव्यू दिखाते हैं, सो लेट्स चेक इट आउट फ्रेंड्स। जैसे दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं इसमें पीछे 140 का टायर हमने लगाया हुआ है, 140 का ये ब्रॉड टायर है इसमें और कस्टम मड गार्ड है, कस्टम इंडिकेटर्स हैं, कस्टम बैकलाइट जो आप देख रहे हैं इनबिल्ट हमने इसमें बनाया हुआ है। बैकलाइट प्रेस करिए, हाँ बैकलाइट आप देख सकते हैं, कस्टम साइड नंबर प्लेट है आप जैसे देख रहे हैं इसमें लगाया हुआ है हमने कस्टम साइड नंबर प्लेट। आप देखिए जब हम इसमें 140 के टायर लगाते हैं तो हम इसमें कुछ छोटे स्लाइड चेंजेस के स्विंग आर्म वगैरह में भी करते हैं। आप देख सकते हैं इसका हमने जो सीट है जो ये लगाया हुआ है ये इसमें एक एडिशनल जो है हमने एक स्ट्रिप दिया हुआ है टू गिव यू अ पार्टीशन। आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए हमने जो इस पे ये स्टिकरिंग वर्क ग्राफिक वर्क किया हुआ है पेंट के साथ और ये हमने इसके एडिशनल कवर्स लगाए हैं एक इसको एनहेंस्ड लुक देने के लिए, दोनों ही साइड ये कवर जो हैं लगाए गए हैं। और आप देखिए इसका हमने टैंक ब्रॉड और थोड़ा सा लंबा किया है इसको एक अच्छा और लुक देने के लिए, शार्क क्योंकि थोड़ी सी लंबी होती है तो हमने वैसा किया है। इसके दो इसमें यहाँ पे ऑयल सॉरी पेट्रोल डालने के लिए कवर्स हैं, पेट्रोल कैप्स। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप जो सबसे ख़ास इसकी चीज़ है वो है इसका पेंट जॉब, आप देख रहे हैं इस पर ये पूरा पेंट जॉब है जो हमने किया हुआ है और इस पेंट जॉब का इंस्पिरेशन मैंने आपको पहले ही बताया। और ये आप जो देखेंगे ये जो पेंट जॉब है जो इस पर बेस बनाया हुआ है वो है एक टैंक की तरह से, टैंक का जो दो लोहे को जब हम ऐड करते हैं तो बीच में इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं इसके सेम उसकी तरह से हमने किया हुआ है। आप देखेंगे आगे अगर बढ़ते हैं तो ये राइज़र हमने इसमें लगाए हुए हैं हैंडल बार के साथ और ये कस्टम जो है डिजिटल स्पीडोमीटर हमने इसमें फिट किया हुआ है, यू कैन हैव अ लुक एट इट। इसके साथ हमने आगे जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो हमने डोम इसका लगाया हुआ है, कस्टम डोम लाइट, कस्टम नंबर प्लेट एंड विद इंडिकेटर्स, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें चेंज की हुई हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें एक ब्रॉड टायर आगे भी फिट किया हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो 110 टायर जो हमने इसमें फिट किया है। तो ये कंप्लीट कस्टमाइजेशन हमने इसमें किया हुआ है और अगर हम इसकी की नॉब की बात करें तो वो हमने दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इस बाइक में चेंज करी हैं इसको एक एनहेंस और एक बेहतर लुक देने के लिए और इस मॉडिफिकेशन का नाम हम देते हैं शार्क।